एटा में 8 बार वोटिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। पोलिंग पार्टी सस्पेंड, बूथ पर दोबारा मतदान के आदेश। राहुल अखिलेश ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। भाजपा नेता और उनके समर्थकों पर कई तरह के लग रहे आरोप, वीडियो हो रहे वायरल। पहले गुजरात में भाजपा नेता के एक बेटे ने ईवीएम को अपने कब्जे में लिया, वहां पर मौजूद ऑफिसर के साथ बदतमीजी की और फिर वीडियो से लाइव कर दिखाया भी। अब यूपी से खबर आई है जहां पर एक शख्स ने 8 बार वोटिंग का दावा करते हुए वीडियो भी बनाया। इसके बाद चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव ने इस वीडियो को शेयर किया, बातें मीडिया में आई और फिर अब उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर मतदान को रद्द कर दिया गया, फिर से वहां चुनाव होना है। लेकिन अब चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या उसकी तैयारी इस कदर है? कैसे कोई भाजपा नेता का बेटा या समर्थक मतदान केंद्र में घुसकर वोटों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, अवैध वोटिंग कर रहा और हिम्मत की दाद करिए वह उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर रहा है? क्या भाजपा नेताओं, उनके बेटों और समर्थकों को कोई खौफ नहीं? पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे, उससे पहले गुजारिश है चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर कहानी क्या है? एटा के एक मतदान केंद्र पर एक शख्स ने दावा किया है उसने 8 बार वोटिंग की, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने इसका वीडियो भी बनाया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक शख्स के 8 बार मतदान करने के दावे के बाद अब संबंधित पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान होगा। इस बीच मतदान करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने इस मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की है। इसके साथ ही पोलिंग पार्टी के सभी मेंबरों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल एटा के इस मतदान केंद्र पर एक शख्स ने दावा किया था कि उसने 8 बार वोटिंग की है। उसने इसका वीडियो भी बनाया था जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी शेयर किया। वोटिंग करने वाला गिरफ्तार। मामला सामने आने के बाद एटा जिले के नयागांव थाने में केस दर्ज कर लिया गया। 8 बार मतदान करने वाले शख्स की पहचान खिरिया के पमरान गांव के राजन सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने राजन को अरेस्ट कर लिया। मतदान दल के सभी सदस्यों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बाकी चरणों में प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। क्या दिखाया गया वीडियो में? वीडियो में एक युवक ईवीएम के पास खड़ा है, वह इस वीडियो में 8 बार वोट डालने का दावा कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है, साथ ही लिखा है अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करें, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। समाजवादी पार्टी ट्विटर अकाउंट पर वीडियो शेयर कर लिखा है फरुखाबाद लोकसभा के अलीगंज विधानसभा में बूथ संख्या 347 ग्राम खिरिया पमरान पर नाबालिग युवक द्वारा 8 बार भाजपा के पक्ष में वोट डाला गया। ये घटना निश्चित रूप से बूथ कैप्चरिंग को दर्शाती है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, आरोपी पर उचित कार्रवाई हो। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। MSTV देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।